देखिए तीनों विभाग बल्कि एक्साइज भी है उसमें, आज फॉरेस्ट को भी जोड़ रहे हैं। और लगातार पहले कोरोना कर्फ्यू था उसमें थोड़ा उसको और सख्त करके जनता कर्फ्यू आया, जनता ने भी सहयोग किया पूरा उसमें। डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, पर इस रिजल्ट्स को इस्टेब्लिश करने के लिए हम लोगों को थोड़ा अभी सख्ती रखना जरूरी है ताकि एडॉप्शन मूवमेंट लोगों का ना हो। चार तरह की एक्टिविटी रहती हैं बहुत महत्वपूर्ण, जिससे कि संक्रमण की स्पीड में कमी आती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट हो जाता है जो ये लोगों का मूवमेंट रोकते हैं हम लोग, और अनावश्यक भीड़ भाड़ इलाके वाली जो एक्टिविटीज़ बंद करते हैं, जिसको कि एक जनता कर्फ्यू ग्रुप में कई बोल रहे हैं, कभी कोरोना कर्फ्यू ग्रुप में बोल रहे हैं। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि जो भी कंजेस्टेड एरियाज में पॉजिटिव पेशेंट्स आ रहे हैं उनको डीकंजेस्ट करके उनको वहाँ से पिक करके एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को कोविड केयर सेंटर में डालें। उससे वहाँ पर जो वायरल लोड होता है वो कम होता है। किसी मोहल्ले में अगर 10 पेशेंट हैं वो जो फैलाएंगे दिन भर में, अगर उन्होंने मूव कर लिया बाहर, और वहाँ अगर हम 5 पेशेंट हटा देते हैं वहाँ से, 5 ही रहते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ का जो संक्रमण की स्पीड है कम हो जाती है। प्रयास हम लोग का रहता है कि 10 में से 10 ही हटा दें जो एसिम्प्टोमेटिक है। तो दूसरा प्रयास ये रहता है जिससे कि संक्रमण की स्पीड में कमी आती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है कोविड केयर सेंटर्स का। तीसरा हम लोग जो कर रहे हैं, जितने भी हम लोगों के ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज हैं थानावार, वो माइक्रो कंटेनमेंट एरियाज बना रहे हैं, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे देखने को मिलेंगे। क्योंकि माइक्रो कंटेनमेंट एरिया जब बनता है तो उसके अंदर सैनिटाइजेशन शुरू हो जाता है, उसमें आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ता के माध्यम से स्क्रीनिंग हो जाती है पूरे घरों की। उस स्क्रीनिंग में जो शंकास्पद केसेस रहते हैं वहाँ सैम्पलिंग लेकर टेस्टिंग हो जाती है उनकी, और जब बैरिकेडिंग होती है, सब चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा लोगों में सतर्कता भी आती है कि ये हमारा मोहल्ला थोड़ा गंभीर कैटेगरी में आ गया है। फीवर क्लिनिक से जो भी सैम्पलिंग कराने आ रहा है उनको सीधे दवाई दें हम लोग, कोविड की ओरल मेडिकेशन होता है वो, तो दवाई खाना शुरू करें। या जो किल कोरोना 2 अभियान हम लोगों ने ग्रामीण में भी चलाया है, इसमें हर घर में जो भी शंकास्पद है कोविड के लक्षणों के साथ, भले कोविड हो नहीं हो, उसको 100% हम लोग दवाई की किट दे करके उसका मेडिकेशन चालू करा दें। ये चौथा प्रयास है। ये चारों समन्वित प्रयास, जनता कर्फ्यू हो गया, कोविड केयर सेंटर में लोगों को शिफ्टिंग कराना हो गया, माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स बनाना हो गया, और जो भी शंकास्पद लोग हैं तत्काल वो कोविड का ओरल मेडिकेशन शुरू कर दें, चारों प्रयास से संक्रमण की स्पीड में कमी आती है। चारों ही फ्रंट पे हम लोग कार्य कर रहे हैं इस समय, और इसको और एग्रेसिवली हम लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुछ रिजल्ट अच्छे दिख रहे हैं अभी तो इसको स्थायित्व तो देना है, इसको इसके लिए जरूरी ही करना है। इसी में आज हम लोग कमांड मीटिंग हुई थी, DIG साहब भी थे, म्यूनिसिपल कमिश्नर भी थी उसमें, और उसमें और सख्ती हम लोग करेंगे। ऐसा लग रहा है कुछ लोग अभी फिर से कुछ लोग लापरवाही कर रहे हैं। मॉर्निंग वॉकर्स को मना किया गया है कि ना निकले, अभी मॉर्निंग वॉकर्स से भी रिस्क हो रहा है, बिना मास्क के मूव करते हैं, और जिस तरह की गप लगती है मुँह में, क्योंकि मॉर्निंग वॉक या जॉगर हैं या तेज़ वॉक कर रहे हैं तो उनका स्वैब भी ज़्यादा निकलता है मुँह से, ऐसे में वो भी रिस्की हैं। और बोला गया है कि मॉर्निंग वॉकर्स सचेत करें, अगर नहीं होता है तो ये भी बोला गया है कि उनको उठा लिया जाए, जेल में डाला जाए अस्थायी जो है। साइकिलिंग भी अलाउड नहीं है अभी, मैंने बोला है BRTSC कॉरिडोर को ब्लॉक कर दिया जाए, शहर के लिए ज़रूरी है इसलिए किया जा रहा है ये। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि मॉर्निंग वॉकर्स हेल्थ के लिए करते हैं और हेल्थ रोक रहा है प्रशासन, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। मॉर्निंग वॉकर्स का जो तरीका है मॉर्निंग वॉक करने का, वो उनके लिए और उनके परिवार के लिए पूर्ण रूप से खतरा है उसमें, इसलिए रोका जा रहा है इसको। ये बात सही है कि मॉर्निंग वॉक से हेल्थ में स्वास्थ्य में होता है, पर अगर उसका पालन करें तो मॉर्निंग वॉकर्स जिस तरह से झुंड में घूमते हैं, जिस तरह से 2-3-4 लोग भी घूम रहे हैं, तो जो वायलेशंस हो रहे हैं वो उचित नहीं है, उसको नहीं होने देना चाहिए, इसलिए उसको भी सख्ती करने के लिए आज से बोला गया है।